हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहे हैं 11:30 और अब जाके मेरा आज का व्लॉग अपलोड हुआ है। फर्स्ट टाइम, यूजुअली 8 बजे आ जाता है। तो वो आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मतलब जब से मैं उठा हूँ ना, अभी 11:30 हो गए हैं, अभी तक मैं लैपटॉप पे लगा हुआ हूँ कि ठीक हो जाए, मेरा व्लॉग अपलोड हो जाए। मतलब मेरे को चैन की सांस नहीं आई, मैं जब तक अपलोड नहीं आता ना, दिमाग के अंदर बस यही था कि यार व्लॉग अपलोड हो जाए। ऐसी फीलिंग मुझे आज तक कभी भी नहीं आई यूट्यूब पे काम करते हुए। पहली बार इतना लेट व्लॉग अपलोड हुआ। हाँ, आज तक कभी भी इतनी लेट व्लॉग नहीं आया, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक आता था। नहीं, यूजली 8 बजे आ जाता है, आपको पता ही होगा। अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस करके भी, जब हमारा व्लॉग लेट होता है तो हमको कैसा फील होता है। एक ना आदत सी हो गई है व्लॉग बनाने की, उसको जल्दी सुबह 8 बजे देखने की। हाँ, सुबह 8 बजे हमारे चैनल पे आ चुका है। हमको तो लगा कि आएगा ही नहीं आज। हाँ, मेरे को लगा कि आएगा ही नहीं। मैं तो हिस्सा जाने वाला था एप्पल स्टोर में मैकबुक लेने के लिए, चलो उसी में करेंगे अब एडिटिंग वगैरह। फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। सो जो आज का दिन है वो हमारा ऐसे ही शुरू हुआ है, पूरे पोपट के साथ में, और 11:30 बज चुके हैं। अब जाके मैं ब्रश करूंगा, खाना खाऊंगा, सब कुछ। फाइनली अपना गोप्रो का माइक डिलीवर हो चुका है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो चलो अब लगाते हैं हेलमेट में और ट्राई करते हैं कैसा है। हेलो गाइज, हेलो, माइक टेस्टिंग। पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, भाग के देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। आ रही है नहीं आ रही। पंखा क्यों चला रखा है? होपफुली माइक में सही आवाज़ आ रही हो। माइक मेरे होठों पे टच हो रहा है। तो अभी हमने मार्केट में एंटर किया है, देखते हैं मार्केट में कैसी साउंड आती है इस माइक में। फर्स्ट गियर पे ही चलते रहो बस। किधर घुस गया अपन? जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, तेज भी नहीं चला सकते, किसी को ठुक गई ना मेरे को ही ठोक देगा वो। अभी का सीन है, पापा जी थोड़ा मेजर कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लेके आनी है नई टेबल। इस तरह की टेबल ही ले आता हूँ मैं, जो कि यहाँ पे लग जाएगी एडिटिंग के लिए। अभी कारपेंटर नहीं आ रहे तो फर्नीचर काम नहीं हो सकता, तो मैं सोचा चलो रेडीमेड ही टेबल ले लेता हूँ इस तरह की, जो कि बनी बनाई मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं मार्केट में और फर्नीचर की शॉप से एक टेबल ले ही आता हूँ मैं। फिर मेरे ड्राइंग का सामान यहीं पर रहेगा, ड्राइंग यहाँ पर होगी और एडिटिंग यहाँ पर होगी। लैपटॉप वगैरह रख देंगे। क्या हुआ? इसने बोर्ड ऊपर नीचे लगा रखा है। कोई बात नहीं, इसके बीच में आएगी टेबल, तो इतनी बड़ी टेबल थोड़ी ना आएगी। बीच में भी आएगी ना, बराबर होनी चाहिए। ये तो 29 इंची, ठीक है, ये है 32 इंची। अब क्या करें, जितना हो गया। छोटी जी टेबल, ये देखो यहाँ पे धूप में आके सो गया। क्या होमवर्क वगैरह नहीं करना क्या? हैं, होमवर्क वगैरह भी कर लिया कर, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बता देखो। तभी करते थे हैं? मैं तो करता था। सो ही मार्केट गया था और मैं अपनी टेबल को बुक करके आया हूँ। जैसी टेबल है ना ये, ऐसी जैसी थोड़ी छोटी है, मतलब मेरा लैपटॉप और माउस वगैरह आ जाएगा उसमें, तो अच्छे से एडिटिंग वगैरह कर पाऊंगा। सिंपल सी टेबल ले ली है मैंने, बुक कर लिया, मतलब आ जाएगी 1 घंटे में। और एक और चीज़ है, मम्मी का सरप्राइज है जो कि मम्मी को कल मिलेगा। मम्मी काफ़ी टाइम से बोल रही थी मुझे कुछ चाहिए तो फिलहाल अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ अपनी टेबल का, काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज एडिटिंग के लिए। और बड़ा है? ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। अगर आपको याद है तो मैंने ये शर्ट ली थी अल्मोड़ा से, और देखो मेरे को ठग दिया, देखो फटी हुई है। गरम है, इसीलिए ना मतलब सेल वगैरह से लेनी नहीं चाहिए। गरम शर्ट है। कितने की ली थी? उस टाइम चेक भी नहीं किया, इतनी भीड़ हो रही थी, जल्दी जल्दी में ले ली मैंने। गौरा की साइकिल लेके भाग गया पीयूष। फिर चला, अपनी साइकिल चला ले, फालतू खराब हो जाएगी वो। ले बस, गिर गया, होगी बेइज्जती, अपनी चला ले। कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है? मास्क कहाँ है तेरा? मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं आज तेरे हाथ छोड़ने के ऊपर, बिकॉज मेरा ही पपट होता है। पानी है इधर तो गाइज, आगे पानी है, तो मैं यहाँ से बाइक को नहीं ले जा सकता, मेरी बाइक ख़राब हो जाएगी पानी में, मतलब कीचड़ में ख़राब हो जाएगी। मुझे ना इस तरह से करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज मेरे पैर बिल्कुल फ्लैट नहीं पहुँचते नीचे, क्योंकि इसकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल अब मेरे को आदत हो गई है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती। ना ना, सीधा चल, सीधा पैसे तो लेने दे घर से। मास्क लेने जा रहे हैं, ओरियो का ध्यान रख, ओरियो आ जाएगा बाहर, ओरियो आ गया, देख पकड़ इसको। सो हमने साहिल को भी पकड़ लिया, तो साहिल भी आ चलेगा हमारे साथ में। साहिल को पता है शॉप अच्छी वाली, जहाँ पे अच्छे रंग बिरंगे मास्क मिलते हैं। यूज़ कहाँ रह गया, ये दिख ही नहीं रहा। ओ गुस्सा हो गया पीयूष, गुस्सा हो गया। भाई भाई भाई, मैंने सुना ही नहीं, मैंने हेलमेट डाल रखा है। ओ लड़ाई मत कर, साइकिल पर चढ़ते हो लड़ाई कर रहे हो, वाह उसको थप्पड़ मार रहे। फिर से मार्केट में आ गए, सुबह भी आए थे, अच्छा लग रहा है प्यारा। अब डाल के रखियो हमेशा, कोई नहीं लूज है तो डाल के रख। साहिल तेरे पास पैसे हैं, कुछ खिला दे यार,
10-10, 30 रुपए हैं, 10-10 का कुछ खा सकते हैं। 10 वाला बर्गर मिलता है इधर गोलगप्पे, गोलगप्पे चल फिर आ जा। तीन तीन गोलगप्पे तीनों ने खा लिए हैं। गाइज आई एम नॉट प्रमोटिंग कि तुम भी खाओ, हमारी सिटी में कोरोना उतना नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है, सीधा चल ले। हट जा, कहाँ लगा रहा है बाइक, अंदर रखनी है। तो अभी हम घूम फिर के आ गए हैं, 5:46 हो गए, अंधेरा भी होने वाला है और अभी तक मेरे टेबल नहीं भेजे उन्होंने। पैसे वैसे हम सब दे आए थे, कह रहे थे 1 घंटे में भेज देंगे, अंधेरा ही हो गया पता नहीं। तो गाइस ये रही हमारी टेबल, मुझे यहीं पे आना पड़ा, तो अब इसमें जाएंगे एंड मैं बाइक पे हूँ, इनको रास्ता दिखाएंगे हमारे घर का। टेबल घर पे आ गया है, तो कुछ इतना टेबल है देखो, बाइक से थोड़ा छोटा है। इसको अब ऊपर लेके जाना है, पापा जोर में लेके जाते हैं। पीछे काम कर, एडिटिंग का काम तू संभाल ले, वो वाली टेबल तेरी, बोल सीखेगा एडिटिंग? हाँ, पक्का? हाँ। आराम से पहले इसके निकाल तो ले, वायर वूर जुड़ी हुई है इसके अंदर, सारे छेद में से निकाल ले, सारे छेद में से जो भी जुड़ा हुआ है सब निकाल ले। इसको उठाएंगे फिर ये। आराम से किसी साइड में रख सा। अब इसका चार्जर ले आ, मेरी टेबल तो आ गई मम्मी। हाँ। आपका सरप्राइज कल आएगा, मैं कह रहा हूँ एडिटिंग का काम तू संभाल ले। किसको? इसको, एडिटिंग ये कर लेगा। आ जाएगी, इसको आ जाएगी, सिखा दो। पहले इसको बोल स्कूल का काम न कल करा न आज करा है, कह ले बेटा तू देख ले इसके काम सब, मैं सबके घरों में देख के आई, सबके बच्चे काम कर रहे हैं, इसने न कल करा है न आज करा है, पहले तू इसको ये बात तो समझाया कर। अभी कर रहा हूं, बड़े मिस टॉपिक को खत्म करो, अभी कर रहा हूं। कैंसिल एडिटिंग, कैंसिल एडिटिंग का काम कर। एक बात बताओ तुम, तू बेटा इसने करना चाहिए नहीं करना चाहिए काम अपने आप, मैं इस लड़के को क्या करूं बता दो। मैंने भी इसको दिन में बोला था पढ़ाई कर ले, धूप में सोया पड़ा आराम से। पढ़ाई तो ये कभी करता ही नहीं, जो स्कूल का काम आता है वो तो कर ले। ये कल नहीं, कल भी नहीं किया, आज भी नहीं किया, क्या करूं बताओ इसका, स्कूल का काम करेगा। अभी करूंगा, अभी करूंगा, अभी करूंगा, अभी क्या, अभी करूंगा ना। इसमें मत बिठाइए इसको जब तक काम नहीं करेगा स्कूल का, पहले बता दिया मैंने। हाँ। तो अब मेरी दो टेबल सेपरेट हो चुकी हैं, ये वाली टेबल हमारी सिर्फ ड्राइंग होगी, इसमें और कुछ भी नहीं होगा, और ये टेबल होगी हमारी एडिटिंग की, जो कि पीयूष संभालेगा, नहीं अभी काम करेगा, पहले स्टडी करेगा फिर संभालेगा, ठीक है पीयूषी? तो अब टेंशन कहीं, एक टेबल और चाहिए डाइनिंग टेबल टाइप की, जहाँ पे खाना पीना खा सके, बिकॉज एडिटिंग और ड्राइंग पे खाना पीना नहीं रख सकते हम, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमको। दोनों जगह मेरा काम करके दिखा, कर रहा हूं, रुको से, अभी रुकने का टाइम है क्या? रुको रुको, तुमने क्यों नहीं करता है, दुकान बिगड़ते जा रहा है, मेरी इसको मंडल में डालने से झूठ बोल रहा है, रोज करता है दुकान, खड़ा है चल नीचे, चल नीचे। है मम्मी, अपना लास्ट की वीडियोस देखना, लास्ट की जितनी वीडियोस हैं सब में सेम कपड़े हैं, थंबनेल में सब सब में सेम कपड़े हैं। मैं अब साहिल को डांट रही है, मेरे को भी डांटने वाले हैं, मुझे पता है साहिल के बालों के लिए डांट रही है साहिल को। बात ऐसी है, अब मेरे को मत बोलना कि सेम सेम कपड़े होते हैं, ये नहाता नहीं है एक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ यही, आप थंबनेल में देखो कहीं वीडियो में देखो सेम कपड़े देखेंगे इसका, आपको बस पता नहीं क्यों क्यों कपड़े ही नहीं, बड़े में दिलाते ही नहीं है। पागल तो इनसे सीख लेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अगर इनसे सीख नहाते भी नहीं फिर भी कपड़े बदलते हैं तो देख। भाई कोई कह नहीं सकता नहाता नहीं हूँ, कभी लगता है कभी लगता है? लगता बेटा, तू नहीं लगता है, ये बात सही है। ये निकले मुझे नया लिया लग रहा है, और तेरी ऐसे मत बोलो, कैसे करके आया देख अपनी अपनी शक्ल ना, ब्याह गुजर तो सही, अपनी शक्ल बना के होती है। मैं भी 10 दिन ना नहाओ ना, पर टिप टॉप में रहूंगी चाहे ना नहाओ। मुंह साफ करना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं रोज रोज। मैं तो खैर उड़ती हूँ, सोच के उड़ते ही नहाती हूँ, मेरे को बिना नहाए चैन नहीं आता। और ये देखो ये नहा, ऊपर से कपड़े भी नहीं बदलेंगे, चलो नहाया नहीं है, मुंह धो, कपड़े भी नहीं बदलेगा। ये शक्ल देखो कैसे, कितनी बद्दी शक्ल कर रहे हैं, शक्ल शक्ल देख ना कैसा लग रहा है, उबार आते हैं ना उबार, उनकी तरह लग रहा है, वही तो मैं, उनकी तरह बाल देखना गाइस, बाल देखना इसके बाल, बाल देखना मिट्टी में खेल के आए। सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा और मतलब मम्मी का सिर्फ मैं ही हूँ, तो मेरा बच्चा है तू,
थैंक यू थैंक यू। इस तरह से नंबर बढ़ाने चाहिए अपने, सब सबकी बुराई करके सबके बारे में ऐसे बोल के। अच्छा है का तेरा, मेरा है का है के। वो भी नहीं है तेरा। इतने उसका लड़का बीरमा की लड़की ऐसा पढ़ाई में मन लगा रखा है, हमारा पीयूष तो स्कूल का काम भी नहीं करता है। काम भी नहीं करता है कभी? नहीं तो करता ही नहीं। मैं तेरे पापा जी से कहती हूँ आओ एक बारी आप देखो इसके रंग रंग करके, बिल्कुल डर भरवा नहीं है ना। तू इसको कहता है बता कभी? मैं मम्मी कहता हूँ, मैंने कब नहीं कहा इसको? क्यों नहीं कहा? तू इसको बोल मेरे स्टूडियो में तब आएगा, पहले अपना पूरा काम कर तब मेरे पास आ। मेरे स्टूडियो में तब आएगा? सुन ले, मेरे स्टूडियो में तब आएगा जब पूरा काम करेगा, पढ़ाई करेगा। अभी मैं आपके स्टूडियो में ही हूं। अभी भगा दूंगा मैं। जी पापा जी, हेलमेट क्यों छेड़ रहे हो अभी? ये हेलमेट क्यों डाल रहे हो? पापा जी अलग ही है। अरे मैंने रोटी बनानी है बेटा, तो साथ साथ खाओ, रात रात बनाती हूँ। क्या सब्जी क्या बनाई है? सब्जी दाल बनाई थी, अंडी जैसे पंजू की दाल कहता है उसी बनाई। उससे ही मस्त बनाते हो आप तो। चलो जाओ फिर बनाओ, आ रहा हूँ। बना दी? बना दी हाँ, बस रोटी बनाते रहते हो। एक एक दो दो रोटी गरम गरम उठाओ खाओ। क्या कर रहे हो यार? छोड़ यार हट। अरे मैं हार गया, बस तू जीत गया, मैं हार गया, तू जीत गया। क्या लड़ाई लड़ाई करते रहते हैं हम? क्या है लड़ाई? हाथापाई हो चुकी है गाइस, हाथापाई हो चुकी है। जब पीयूष को पढ़ाई के लिए डांट पड़ती है और इस तरह से मम्मी समझाती है तो हमको हमारे दिन भी याद आ जाते हैं। वो बात अलग है कि हमको पिटाई भी पड़ती थी, बट स्टिल हमारी यादें ताजा हो जाती है। और ये तो सबके साथ में ही होता है, सबके घरों में होता है। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। ये देखो ये होता है सबसे बेस्ट खाना, मम्मी के हाथ की दाल और रोटी। पीयूष कहाँ है? क्या कर रहे रे? अंदर से बंद क्यों कर रखा है पीयूष? आई थिंक गुस्सा है तो वो अंदर ही है, गेट नहीं खोल रहा है। चलो मैं खाना खा के ऊपर ही चला जाता हूँ। तो अभी ऊपर आ गया हूँ, डिनर वगैरह हो गया है। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, फिलहाल मैं एडिटिंग करूँगा अपने न्यू टेबल पे। तो व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना गाइज। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या ही देख रहे हो आजकल? सटिया गए हो बुरे। पहले व्लॉग देखते थे, व्लॉग बनाने नहीं आते थे। अरे को भी और जो आपके दोस्त है वहां देखो। मत कर यार। के बेचारे ने कह रहे छोड़ देखो 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 वो देखो वो देखो वो देखो और वो देखो और देख ये क्या है? क्या है? और देख कौन भोग रहा है आपके दोस्त? वो आवाज भी आ रही है उनमें से, और रोड भी लड़के चलाओ कोई।